अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर होने का दावा। जी हाँ दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर होने का दावा किया गया है। और ये देखिए, इसे पढ़िए। और ये दावा जिस शख्स ने किया है, आप ये उसकी वीडियो देखिए। की जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। और उसके सभी साक्ष हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कियोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो, और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस गया। दोस्तों, अजमेर दरगाह को लेके दरगाह के ट्रस्टी ने क्या कहा, लोग खुद सुन लो। देखिए, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई, एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया, सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो ASI में आती है, 400 साल पुरानी मस्जिद है। और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे, उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने, कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं मस्जिद शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग, ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश इन द पॉन है, तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी, पहले भी इस पर बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है, लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं, और अफ़गानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक।